वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जय हिंद एम आई ऑडिबल टू एवरीवन आई होप एम क्लियरली ऑडिबल नम्रता सुधा वैष्णवी दर्शन अभिषेक आकृति आरती सुप्रिया पूजा देवांग नम्रता अंजु स्वीटी हिमांशु शलवी ऋषभ आरके अभय श्वेता चंद्रावत वुड लाइक टू वेलकम इन द सेशन आप में से बहुत सारे सेशन आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे भी होंगे प्रीवियस सेशन जो कि छह बजे हमने किया था एंड दैट वॉज ऑन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि अभी पिछले वीक निकले अब इस सेशन में ऋषभ राज ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर आउट ऑफ एक बात याद रखिएगा यू विल गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो जीके का हमारा सेक्शन है उसे मान लीजिए आपको पच्चीस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सो so, अगर जीएस के पच्चीस क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप उतना दम रखते हैं कि उसमें से 20 क्वेश्चन सही कर पाए आई नो इट्स अ वेरी एम्बिशियस फिगर ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है कभी बट दिस इज जस्ट टू टेस्ट योर बाउंड्रीज फाइन ऐप ऋषभ आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू रिग्रेट ट्रस्ट मी ऑन दैट यू सर्डली वोट रिग्रेट बिकॉज आप बिल्कुल कुछ ना कुछ ज्वाइन करेंगे आई होप मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सबको आई होप माई वॉइस इज हंडसेंट ऑडिबल टू एवरी वन एंड बिफोर ए स्टार्ट दिस अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू all those who don't have the grade up super subscription they can use this particular code r day 72 code जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन pe dikh रहा है इसको आप यूज कर सकते हैं and you can get up to 72% discount basically pehle jo पहले जो honge aspirants बच्चे होंगे get होंगे discount विल गेट सेवेंटी टू परसेंट और अदरवाइज अगर आप पहले सेवेंटी टू में नहीं भी आते हैं स्टिल यू विल गेट फोर्टी परसेंट डिस्काउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्टी परसेंट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यू कैन सी द बॉटम बार ऑब है यू सी बॉटम बा फाइन सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू तो आई होप यू आर रेडी फॉर द क्विज़ क्विज़ जो है बहुत ही शानदार क्विज़ है आप सबके लिए एंड आई एम श्योर यू आर ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस ब्यूटिफुल क्विज़ फॉर दिस मोस्ट इन्फॉर्मेटिव क्विज़ यू आर ऑल वेरी मच रेडी फॉर दिस आई होप सो एंड अगर आप रेडी हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ यू ऑल आर रेडी देन काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर ऑलरेडी फॉर दिस वफुल क्वेज ठीक है रेडी वेरी गुड सो नाउ द बेसिक आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर हम लोग इसको इसको किस तरह से करने वाले हैं मैं क्वेश्चंस देता रहूंगा और आप मुझे आंसर बताते रहेंगे आई एम फाइन मंदी थैंक यू सो मच शिवा प्रदीक्षा अंकिता अंजलि वैष्णवी uh, सुधा uh, प्रगति एवरी मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब क्विज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे सो so, पहले तो मेक श्योर करिए इसको शेयर करिए सबके साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसको इसको स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पहले तो मैं आपको ये पीक दिखाना चाहूंगा दिस इज द ब्यूटीफुल पीक विच यू कैन सी इन द बैकग्राउंड इसका नाम बता सकते हैं आप इसका नाम क्या है इसका नाम है केटू बहुत ही सुंदर पीक है जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे सो दैट यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट सो सुनाओ केटू जिसको हम लोग माउंट गुडविन ऑस्टन भी बोलते हैं के टू जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको पता होगा गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया ना पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है इसकी हाइट क्या है वट इज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीक बताइए वर्ल्ड सेकेंड हाइस्ट पीक है आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट के बाद बताइएगा जरा फटाफट काराकोरम रेंजेज वट इज द हाइट ऑफ गुडविन ऑस्टिन ऑल्सो नोनज के टू कितने मीटर हाइट है कितने मीटर इसकी हाइट है वेरी गुड एब्सोल्युटली इट इज 8611 मीटर इट इज 8611 मीटर कोई मुझे बताएगा इसको गुडविन ऑस्टिन क्यों बोलते हैं इसको गुडविन ऑस्टिन क्यों बोलते हैं किसके नाम पे बोलते हैं हेनरी हैवे गुडविन ऑस्टिन इनके नाम पे इसको गुडविन ऑस्टिन बोलते हैं ये क्योंकि ये एक बहुत बड़े सर्वेयर थे ये क्या करते थे सर्वेस किया करते थे हेनरी गोडवेन ऑस्टिन ही वाज अ ब्रिटिश सर्वेयर ब्रिटिश सर्वेयर थे नाइनटीन सेंचुरी के उन्होंने इसके सर्वे किए थे और तब जाके हम लोग इसको क्या बोलते हैं गॉडवेन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं सो so, देखिए हर एक चीज का एक कारण होता है एंड इफ यू नो दैट इट इज सर्टनली वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ये आपके लिए क्या है बेनिफिशियल होता है आपके लिए जबरदस्त तरीका होता है तो गॉडवेन ऑस्टिन जो थे वो कहां से थे जिनके नाम पे पड़ा ब्रिटेन से थे यूके ब्रिटेन से थे क्लियर अब बिल्कुल 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 जी कंचनजंगा इंडियंस हाइएस्ट हम बोलते हैं लेकिन मेरे हिसाब से के टू इज इंडियाज हाईएस्ट वाई के टू इंडिया की हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पीओ के हमारा पार्ट है ठीक है तो के टू इंडिया में ही है बिल्कुल याद रखिएगा के टू इंडिया से बाहर थोड़ी है के टू इंडिया में ही है क्यों है? क्यों आप बोलोगे पाकिस्तान में क्योंकि भैया आप ये मान के चलिए कि पीओ के इंडिया का पार्ट है सिंपल सी बात है सो मेक श्योर यू ऑल आर लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन हमें मेक मेकश्योर sure करना है कि हम लोग एटलीस्ट एटलीस्ट पाँच सौ लाइक तो इस सेशन में लेकर आए एक बहुत प्यारा फेस्टिवल है पुरुष महिलाएं दोनों बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इसमें आप देख सकते हैं पहले तो पिक्चर के माध्यम से कितना सुंदर फेस्टिवल है अब ये किस स्टेट में मनाया जाता है इसका नाम है छापचरकूट फेस्टिवल हर साल हम लोग मनाते हैं मार्च के महीने में कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है ब्यूटीफुल फेस्टिवल मुझे फटाफट से आप बता दीजिए एवरीवन टेल मी फटाफट कौन सी स्टेट का ये फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का ये फेस्टिवल है एवरी वन क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन सो नाउ दीज आर द क्वेश्चंस विच आर नॉट दैट डिफिकल्ट क्वाइट सिंपल आलोक देखिए वो कंचनजंगा ही है ठीक है के टू पीओके में है फिर कंचनजंगा आ जाती है सिक्किम साइड पर वेरी गुड देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बच्चे नागालैंड बोल रहे हैं जो बच्चे नागालैंड बोल रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ नागालैंड का एक बहुत शानदार फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है किसका नागालैंड का और छपचरकूट फेस्टिवल होता है किसका मिजोरम का सो तो आंसर क्या हो जाएगा मिजोरम होगा याद रखेगा नागालैंड का फेस्टिवल है लेकिन वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का याद रखेगा नागालैंड के फेस्टिवल का नाम क्या है हॉर्नबिल छापचरकूट क्या है मिजोरम का याद रहेगा सबको अब कभी भी आपने भूलना नहीं है छपचरकुट फेस्टिवल कहां का है इस तरह के क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली फाइंड इन यूर एग्जामिनेशन जो भी लोग ये सेशन देख रहे देखने में यू आर लाइकिंग द सेशन इसको लाइक ज़रूर करिएगा उससे फ़ायदा क्या होगा आपकी लाइक्ड वीडियोस जो होती हैं उसमें ये वीडियो ऐड हो जाएगी एंड जब ये ऐड हो जाएगी लाइक like वीडियोस में तो आप बाद में इसको रेफ़र कर सकते हो रिवीजन पर्पस के लिए आप इसको रिवीजन के लिए रेफ़र कर पाएंगे अगर आप लाइक like करते हैं आपका फ़ायदा ये है कि आप लाइक करने के बाद इसको लाइकड वीडियो में जाके बाद में फाइंड कर लेंगे इजीली आपको मिल जाएगी दैट इज़ द ओनली यूज ऑफ लाइकिंग अ वीडियो आप यूट्यूब पे लाइक वीडियो में चेक करना आपको मिल जाएगी कुंजिकल फॉल एक बहुत सुंदर वाटरफॉल्स है कुंजिकल फॉल पहले तो आप पिक्चर देखिए इट्स अ ब्यूटिफुल विच यू कैन सी इन द पिक्चर आपको ये बताना है कुंजिकल फॉल जो है कहाँ पे लोकेटेड है बताइए जरा कुंजिकल फॉल वेयर इज़ इट लोकेटेड एवरी वन टेल मी द आंसर सॉरी बताइए कहां पे लोकेटेड है कुंचिकल फॉल तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र कर्नाटक। कुंचिकल फॉल एवरी बताइए एक रिवर है छोटी सी वराही रिवर वैसन घाट में वराही रिवर अभी इससे ज्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता वाराही रिवर वाराही रिवर सो इट इज लोकेटेड इन एप इट इज कर्नाटका बहुत ही सुंदर वराही रिवर है उसके ऊपर ही लोकेटेड है लोकेटेड ऑन रिवर। आई होप इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है याद रहेगा अब कौन सी रिवर है वाराही रिवर है सिंपल अब आपको पता है मैन बुकर प्राइज की हम लोग बात करते हैं इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस प्राइस तो 2019 में ये जो किताब है सेलेस्टियल बॉडीज इसको मैन बुकर प्राइज मिला तो मतलब इस किताब को मैन बुकर प्राइज मिला तो इसको लिखा किसने एनाम ने लिखा अरुंधति रॉय ने लिखा सलमान रशदी ने लिखा या जोखा अलहारती ने लिखा बताइए किसने इस किताब को लिखा है इस किताब के ऑथर कौन है सिंपल सा क्वेश्चन ये है यहाँ पे इनके किताब के ऑथर का नाम होगा बताइए हु इज द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल बुक हु इज द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल बुक और मैन बुकर प्राइज 2019 में भी इसने जीता है तो ये बहुत बड़ी बात है इट इज सर्टनली अ वेरी वेरी बिग थिंग कौन बताएगा मुझे वेरी गुड देखिए सलमान रुशदी इज नॉट द राइट आंसर सलमान रुशदी इज नॉट द राइट आंसर मैं 2019 हजार इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि एफकेट पीछे का पूछता है एफकेट एक सौ एक दो साल का पूछता है इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए याद रखेगा आई एम आस्किंग यू बिकॉज एफकेट पूछ लेगा ये आपसे यू द पॉइंट सो दैट इज द रीजन वाई वी आर ब्रिंगिंग सच क्वेश्चन फॉर यू स्टैटिक जीके में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे चलो वेरी गुड सो द आंसर इज डी जोखा अलहारती डी इज आप्यूटी करेक्ट आप यहां देख सकते हैं इट इज रिटर्न ऑन द स्क्रीन ऑल्सो क्या लिखा है स्क्रीन पर जोखा अलहारती लिखा है जूम करके मैं दिखाता हूं आपको ये देखिए आंसर तो आपकी स्क्रीन पर ही मौजूद है जोखा अलहारती फाइन द मैन बुक इंटरनेशनल प्राइस 2020 बेसिकली आई थी बुक पर ये 2019 में आप देख सकते हैं बेहतरीन इसने प्रदर्शन किया है इज इट क्लियर द मैन बुक इंटरनेशनल प्राइज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज है आप सबको पता ही होगा इसके बारे में जोका इज द राइट आंसर एंड यू विल ऑलवेज सी वन थिंग कि एफकेट में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं एफकेट में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं नेक्स्ट वन गंगा सागर मेला होता है मकर संक्रांति में गंगा सागर मेला आपको बताना गंगा सागर मेला कहाँ पे मतलब किस स्टेट में मनाया जाता है गंगा सागर मेला बताइए एवरी वन सिंपल है इट्स क्वाइट सिंपल यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन गंगा सागर मेला इट्स इजी वन इट्स क्वाइट इजी अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ गंगा सागर के साथ कहां मिलती है गंगा सागर के साथ कहां मिलती है रिवर गंगा वेयर डू वी सी दैट पर्टिकुलर थिंग इट्स एज सिंपल एज दैट एप गंगा जो है सागर के साथ मिलेगी अगर हम यहाँ स्टेट्स में देखते हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट बंगाल एब्सोल्युटली सो आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी वेस्ट बंगाल एज सिंपल एज दैट फाइन सो यू कैन सर्टली अंडरस्टैंड कि इतना मुश्किल है नहीं ये तो ए वेस्ट बंगाल विल बीज राइट आंसर याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं हम लोग गंगा का बहुत बड़ा क्या बनता है डेल्टा बनता है कि नहीं बनता है डेल्टा तो वहां से हम लोग इसको रिलेट करके चल रहे हैं वहां से हम लोग इसको रिलेट करके चल रहे हैं आई होप इट्स एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप सबको दैट टूमोर आई एम गोइंग टू हैव दिस मैराथन एक बहुत बड़ा मैराथन होने वाला है और छ बजे वो मैराथन होगा इज इट क्लियर तो कल का छ बजे आपको इस चैनल पे आना है सिक्स पी एम पे वी आर गोइंग टू हैव अ मेगा हिस्ट्री मैराथन सेव दैट ऑन योर कैलेंडर्स मेगा हिस्ट्री मैराथन हम लोग करने वाले हैं कल छ बजे इसी चैनल पे एंड यू ऑल हैव टू बी गए ऑल दीपल ऑफ वॉचिंग मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो आपके लाइक वीडियो में चली जाए एंड बाद में रिविजन पर्पज के लिए आप इसको यूज कर पाएं सो मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन ऑलवेज नेक्स्ट व बुक प्रोमिसज टू कीप जो बाइडन बराक ओबामा बिल क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप हेंट यही है यूएस के प्रेजिडेंट है जिसने ये किताब को लिखा है यूएस के प्रेजिडेंट है जिसने किताब को लिखा है सो so बताइए कौन है वो आप सल्यूटली बताइए वेरी सिंपल बात हु इज द पर्सन हु एज़ ऑथर्ड दिस पर्टिकुलर बुक किसने ऑथर किया है इसको प्रोमिसज टू कीप दिमाग लगा के बताइए जरा बताइए देखिए बेसिकली इट्स फॉर सी डी एस और लीन लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि एफकेट के लिए भी वो उतनी ही फायदेमंद होगी जितनी सी डी एस के लिए होगी सो वो तो बड़ी फैक्ट की बात है इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एवरी वन क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज यू ऑल नो एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे

बिकॉज दिस इज द वे टू गो अबाउट इट दिस इज दे टू गो अबाउट इट फाइन अब जो बाइडन की जब बात चली ही है एक और बुक है बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखियो जो, जो बाइडन अभी प्रेजिडेंट बने हैं ना इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ये देखना हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर ये अमेरिकन ड्रीमर वाली जो किताब है कोरी बुकर स्टीव क्रांकी एवन ऑसनोस या अब्राहिम कैंडी बताइए व्हाट इज द राइट आंसर बताइए हां जी हिमांचू क्या डाउट है आपका बताइए फटाफट बता दो इसका आंसर एवरीवन वेरी गुड नाउ वैन एवर सच अ क्वेश्चन कम्स आपको बहुत ही केयरफुली आंसर करना होता है उसको यू हैव टू आंसर इट वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन तो दे इज नो पॉइंट ऑफ गैसिंग गैसिंग का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे इफ़ यू नो इट्स फाइन इफ़ यू डोंट नो सो यू बेटर लीव दैट पर्टिकुलर थिंग एज सिंपल इज आर सो द आंसर इज ऐवैन ऑस्नोस आंसर इज एवैन ऑस्नोस तो आप यहाँ देख सकते हैं एवन स्क्रीन के ऊपर भी वी हैव ऑलरेडी शोन यू द आंसर यू कैन सी दैट कैन यू सी दैट ऑन द स्क्रीन एवरी वन तो यहाँ पर बुक के ऊपर भी ये दिखाया गया है तो ये देख सकते हैं इवन द राइट आंसर ये सो दीज पिक्चर्स आर यूज ये पिक्चर्स का फायदा क्या है कि दे हेल्प यू रिकॉल दीज थिंग्स और इसी तरह के हम लोग कल क्लास करने वाले हैं कितने बजे सिक्स पी एम जो कि क्या होने वाली हिस्ट्री मेगा मैराथन हिस्ट्री मेगा मैराथन छः बजे होने वाली सेम चैनल पे सो मेक श्योर यू ऑल ज्वाइन मी इन दैट पर्टिकुलर क्लास मेक श्योर करिएगा कि आप सब उस क्लास में ज्वाइन जरूर करें नेक्स्ट वन अजीज प्रेम जी एक कौन पहले तो बताओ इनकी कंपनी का नाम क्या है अजीज प्रेम जी की कंपनी का नाम क्या है बताओ इट्स आई टी कंपनी आई की बहुत बड़ी कंपनी है बताओ हाँ जी अजीत जी मैं समझ गया जो आप बोल रहे हो बताना जरा फटाफट फट. कौन सी कंपनी है जी एवरी वन कंपनी बहुत बड़ी है जो ये चलाते हैं वॉट इज़ द नेम ऑफ दैट कंपनी सिंपल है इट इज़ अजीज प्रेम जी कंपनी है विप्रो विप्रो कंपनी है कि नहीं है विप्रो सुना है इसके बारे में अब बताओ हु इज ऑथर ऑफ दिस अजीम प्रेम जी द मैन द दिलियम वेरी गुड वेदांत वेरी गुड मेघा ये भी क्वेश्चन आ सकता है इनकी कंपनी का नाम क्या विप्रो याद रखना विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी आईटी कंपनी है विप्रो और ये किताब किसने लिखी है आर एम लाला संदीप खन्ना मिहिर दलाल या अजीत बालकृष्ण वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर दिस द राइट आंसर इज देअर शोन ऑन द स्क्रीन इज ऑलरेडीप खा ये देखिएगा एनी प्रॉब्लम एट ऑल ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना देट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू डू तो आप एक चीज सोचिए ऑल दिसर्ट्स वी आर पुटेंग इट इज जस्ट फॉर यू ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए डाले जा रहे हैं एफर्ट तो मेक श्योर यू आर गेटिंग द फुल एडवांटेज ऑफ इट आप इसका पूरे तरीके से फायदा उठाइए क्योंकि ये एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए लगाए जा रहे हैं फाइन चलिए वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है वट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है कैनबरा सैन होजे वेलिंगटन या रूसो न्यूजीलैंड की कैपिटल का क्या नाम है बता दो फटाफट मुझे एवरी वन ऑन द स्क्रीन प्लीज वॉट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड एम श्योर sure आपने सुना होगा अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो ना तब तो आपको इसका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा तब तो आपको इसका आंसर पता ही होगा अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो वेरी गुड ऐप से आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं यू कैन डेफिनेटली सी दैट ऑन द मैप इट सेल्फ ये देखिए आई it for यू कैन यू सी दैट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एक ब्लू स्पॉट दिख रहा है कैन यू ऑल विजुलाइज द स्पॉट ब्लू स्पॉट दिख रहा है सबको अब इस ब्लू स्पॉट को जैसे ही हटाया जाएगा तो आपको क्या दिख जाएगा वेलिंगटन दिख जाएगा ये देखिए कैन यू सी दैट वेलिंगटन तो यहां पे छुपाया गया था इसको ब्लू स्पॉट से वेलिंगटन सी इज द राइट आंसर सी वेलिंगटन इज द राइट आंसर तो इस तरह का क्विज लाएं हम लोग सो दैट यू आर एबल टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट आप इससे क्या कर सकते हैं मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं जो भी लोग ये सेशन देख रहे हैं मेक श्योर sure आप लाइक कर दें ताकि रिवीजन आपके आसान हो जाए बिकॉज ये आपकी लाइक वीडियो में ऐड हो जाएगा इट विल गेट एडेड

नो दैट इज क्वाइट ईजी क्वेश्चन इट इज़ दोहा सबको पता दोहा जबान आबूधाबी तो यू ए ई की है तहरान किसकी है ईरान की है और बगदाद किस की इराक की है सो दैट कैन बी डन बाई द एलिमिनेशन ऑल्सो एलिमिनेट करके भी हम इसको निकाल सकते थे एलिमिनेट करके भी हम लोग आंसर तक पहुँच सकते थे आराम से दैट इज़ अल्टीमेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मज़ा आ रहा है सबको हाउज द जोश एवरी वन ऑल द एफके अदर एस्पेरियंट जो ये सेशन देख रहे हैं कैसा है आसमान पे है इज द जोश फ्लाइंग हाई लाइक दिस और कमिंग डाउन लाइक दिस चलिए ऑलवेज मेक श्योर दैट योर जोश इज टचिंग दाई हाईज ऑफ द स्काई दाइम इसी बात पर एक मजेदार क्वेश्चन करवाए चलो बताओ यूटीज कितनी है रोज मुझे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर यूटीज बता दो कितनी है आप बताओ मुझे यूटीज कितनी है इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में बताना जरा बता दो फटाफट यूनियन टेरिटरीज़ हमारे पास कितनी है छ सात आठ नौ पांच कितनी है बताना जरा देखिए कितने लोग जानते हैं यू एवरीवन एवरी वन वेरी गुड हम्म हनाओ ओके okay. so, अच्छा अब एक चीज याद रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अच्छा देखिए मैं जानता हूं कई लोगों को कंफ्यूजन है यहां अ लॉट ऑफ पीपल पर्टिकुलर कंफ्यूजन नाउ द प्रॉब्लम इज यहां पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्यों हुई मैं आपको पहले तो ये बताता हूं कि यहां पे इतनी कंफ्यूजन हुई क्यों व्हाट लेड टू सो मच कंफ्यूजन वो ये था कि दो यूटीज मर्ज हो गई तो आप याद रखिए आंसर रखेंट एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी यूटीज है 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 बिल्कुल है. लेकिन अगर वो दो यूटीज मर्ज ना होती 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 तो हमारे पास कितनी होती? होती. मैं आपको बताता हूं कितनी एट है मैं एट कौन कौन सी है ध्यान से देखना राजे एट है अब बिल्कुल देखो यहां पे ध्यान से एक तो अंडमान निकोबार होगी एक चंडीगढ़ एक दिल्ली एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख एक लक्षद्वीप एक पुडुचेरी और एक है दादर नगर अवेलिन दमन इंदू अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं देखो ध्यान से बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं यहां पे कंफ्यूज होते हैं ये होती क्या है यहां पे प्रॉब्लम ये दो अलग अलग यूटीज थी इनको हमने छब्बीस जनवरी में क्या कर दिया एक बना दिया यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो जाती है ये दो यूटीज थी इसको हमने एक यूटी बना दिया पिछले साल अब अगर तो ये दो यूटीज होती तब तो नौ होती लेकिन अभी कितनी है आठ है तो आठ कौन सी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आप चाहो तो स्क्रीन ले लो इसका आप चाहो तो स्क्रीन ले लो इसका क्लियर सो so, बड़ी बेसिक सी चीज़ है आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग तो देखिए चीज़ें बड़ी सिंपल सी होती हैं अगर हम लोग इसको बहुत कंसेप्चुअली करते हैं अगर आप ढंग से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वॉट इज द आंसर यू गैटिंग द पॉइंट सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट एनी वेज आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एनी सर्टन डाउट विच यू हैव टिल नाउ यू कैन सर्टली लेट वी नो इज इट क्लियर बिल्कुल सही है बिल्कुल अच्छा अब एक चीज याद रखिएगा समझ आ गया ना आपको एट्स वो विजबल नहीं है पुडुचेरी है वो पुडुचेरी है वो थोड़ा मिट गया है चलिए विच स्टेट इज कमिंग अवर बांकपुर वर्ल्फ सेंचुरी बांकपुर वर्ल्फ सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं ये बताइएगा बांकपुर वर्ल्फ सेंचुरी वुल्फ भेड़िया so, बांकपुर वुल्फ सेंचुरी की बात हो रही है यहां पे बताइएगा जरा फटाफट कौन सी स्टेट है बांकापुर वुल्फ सेंचुरी एवरी वन वेरी गुड थिंक अबाउट इट देखिए इट इज कर्नाटका नाउ इट्स अ फैक्चुअल वन ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही है ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन ही है सो एब्सोल्युटली यू शुड नो द आंसर इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड मी मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कल छे बजे सिक्स पी एम हैव टू जॉइन मी इन द हिस्ट्री मैराथन हिस्ट्री की हम लोग एक मेगा मैराथन ला रहे हैं तो आपको ज्वाइन करना है कल छे बजे शाप फाइन तो ये बहुत ही मजेदार मैराथन होने वाली हिस्ट्री के रिविजन के लिए सो so, यहां पे ए कर्नाटक इज द राइट आंसर अब एक फीमेल प्रिजनर है जिनको अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट किया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इनका नाम बताइए क्या है इनको एग्जीक्यूट किया गया रिसेंटली किसके द्वारा यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये इसलिए भी बन जाती है क्योंकि फ़ीमेल को जनरली हम लोग देखते हैं कि नहीं किया जाता तो इन्होंने किसी का मर्डर किया था अमेरिकन वुमेन का सो so, बताइए मिसौरी में आपको आपने सुना होगा बॉबी जो स्टेनेट उनका मर्डर हुआ था तो किसने मर्डर किया था बताइए अभी तेरह जनवरी को ही इनको लीथल इंजेक्शन लगाया गया था थर्टीन जनवरी 2021 को रिसेंटली इनको लीथल इंजेक्शन से मारा गया है वॉट इज द नेम बहुत बड़ी न्यूज है ये ये बहुत बड़ी न्यूज है कि लीथल इंजेक्शन से इनको मारा गया लीथल इंजेक्शन से इनको मारा गया है कौन है आपसे बहुत सही जवाब दे रहे हैं सब लोग इट इज लीजा मैरी मोन्टको रिसेंटली शी वॉज दिस लीथल इंजेक्शन एंड अल्टीमेटली ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि सेवन डेकेट्स में कभी ऐसा नहीं हुआ सत्तर साल में पहली बार ऐसा हुआ है सो दिस सर्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग येस नेहा यू विल गेट द पी डी एफ एप यू विल गेट द पी डी एफ निश्चित रहिए आपको पी डी एफ मिल जाएगा फाइन नेक्स्ट में इन विच स्टेट रामसर साइट हरिके लेक इज सिचुएटेड हरी के कहाँ पे है हरिके वेटलैंड भी इनको बोला जाता है हरिके वेटलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा है बताइएगा 1990 में इसको रामसर साइट बनाया गया था आपको तो पता ही होगा रामसर साइट्स ईरान में एक नाइनटीन में हुई थी ना कन्वेंशन उसके तहत जो भी रामसर साइट होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मतलब उसको हम प्रोटेक्टेड वेटलैंड बना देते हैं तो बताइएगा ज़रा सिंपल है इट्स इन पंजाब हरीके है इनफैक्ट इसके पास से ही इसके बहुत पास से हमारी एक इंदिरा गांधी कनाल भी निकलती है आम श्योर sure आपने सुना होगा इंदिरा गांधी कनाल के बारे में इसके बहुत करीब से निकलती है वो इसके बहुत ही पास से निकलती है वो इंदिरा गांधी कनाल वो आर्टिफिशियल कनाल है ना सो दिस इज इन पंजाब मोहन अब बताइएगा इंडिया में जो टेस्ला है उसने मतलब जो इंडियन ब्रांच है टेस्ला की उसको कहाँ पे खोला है अभी रिसेंटली कहाँ पे रजिस्टर किया है बताइए टेस्ला सिंपल है वेरी गुड टेस्ला थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट एवरी वन हु इज वॉचिंग मी बताइएगा टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है एलॉन मस्क की कंपनी है एलॉन मस्क की कंपनी है इंडिया में आ चुकी है उन्होंने स्टैब्लिश किया अपने आपको बेंगलुरु बेंगलुरु कहाँ है कर्नाटका में कर्नाटका बेंगलुरु में अपने आप को क्या किया है इंडिया में स्टेब्लिश किया है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग दैट टमोरो एट सिक्स पी एम वी आर गोइंग टू हैव अ मेगा मैराथन क्या हो रही है हमारी मेगा मैराथन हो रही है कौन सा सब्जेक्ट की हो रही है हिस्ट्री सो इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज हिस्ट्री यू सर्टनी वॉन्ट टू जॉइन दैट मैराथन आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आई विल बी ब्रिंगिंग दैट मैराथन एंड ऑफकोर्स यूज द कोड विच आर सी ऑन द स्क्रीन आर डी सेवन टू एंड दैट इज सर्टली वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑपरेशन फ्लड हम लोग बार बार यूज करते हैं इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री के लिए होता है ऑपरेशन फ्लड बताइए ऑपरेशन फ्लड वाई डू वी यूज दट पोल्ट्री इंडस्ट्री तो देखिए नहीं होगा क्योंकि इसके लिए सिल्वर रेवोल्यूशन यूज करते हैं हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन यूज करते हैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन होता है फार्मिंग के लिए पोल्ट्री के लिए एग्स के लिए होते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन बताइए जरा वॉट इज़ द राइट आंसर एवरी वन डेरी इंडस्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री माइनिंग इंडस्ट्री किसके लिए यूज़ किया जाता है वेरी गुड एब्सोल्युटली, देखिए फ्लड किसमें आएगा सिंपल सी बात है फ्लड किस में आता है फ्लड आता है हमारा दूध का फ्लड आता है मिल्क का मिल्क इज अ डेयरी प्रोडक्ट सो टली डी इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर बिल्कुल नेक्स्ट वन रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं एक्स एक्स <coughs> का तो मैं बता रही सिल्वर रेवोल्यूशन अब बताइएगा गोल्डन रेवोल्यूशन का क्या आंसर हम लोग कई बार बोलते हैं ना गोल्डन रेवोल्यूशन लाना है गोल्डन रेवोल्यूशन लाना है तो बताइएगा गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है किस चीज से जुड़ा हुआ है गोल्डन रेवोल्यूशन एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन गोल्डन रेवोल्यूशन ऑयल सीड है, fish है, egg है. फिश है एग है बताइए देखिए फिश का मैं बताया तो ब्लू रेवोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं मरीन एरिया होता है ब्लू रेवोल्यूशन ठीक है अब यहाँ पे आप सारे रेवल्यूशन जानिए ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग है ये यह देखो यहाँ पे ध्यान से ठीक है फिश के लिए तो ब्लू रेवोल्यूशन हो गया एग के लिए सिल्वर हो गया बचा गया फ्रूट्स फ्रूट्स के लिए क्या होगा गोल्डन रेवोल्यूशन है ये देखिए हॉर्टिकल्चर हनी फ्रूट प्रोडक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए गोल्डन रेवोल्यूशन इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोला जाता है आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गोल्डन रेवोल्यूशन इज इट क्लियर इट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग एनी डे एनी डाउट चलिए अब मिड डे मील स्कीम तो आपने सुना ही होगा मिड डे मील स्कीम तो आपने सुना ही होगा बच्चों को जैसे मिड डे मील्स देते हैं तो आप बताइएगा विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम बताइए मिड डे मील स्कीम वाली पहली स्टेट कौन सी थी इंडिया में फर्स्ट स्टेट मिड डे मील स्कीम कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा है नाइनटीन एटीज की बात है बताइए नाइनटीन एटीज की बात है ये अब मैंने हिंट दे दिया आपको सिंपल है वेरी गुड थिंक अबाउट इट इट वॉज तमिलनाडु इट वॉज तमिलनाडु फाइन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है हम लोग कभी भी इन चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करते हैं देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ऑयल सीट का होता है येलो रेवोल्यूशन आई थिंक बच्चे ऑयल सीट हैं ये देखो ऑयल सीट का होता है येलो रेवोल्यूशन याद रहेगा सबको ऑयल सीट का येलो रेवोल्यूशन होता है वाइट मैंने बता दिया सिल्वर बता दिया ब्लू बता दिया तो याद रखिएगा फिश का है ब्लू एग का है सिल्वर और फ्रूट का है गोल्डन डाउट्स क्लियर हो गए सबके येलो रेवल्यूशन और येलो होते हैं ना तो उनका क्या होगा येलो रेवोल्यूशन होगा फाइन एनी अब मैं आपको क्या बता रहा था ये बता रहा था ना तमिलनाडु इज द राइट आंसर तमिलनाडु अब तमिलनाडु में खास बात क्या है के कामराज होते थे वहां के जो तो मिनिस्टर है स्टार्ट किया था चेन्नई में उसके बाद गुजरात ने 1984 में इसको रेप्लीकेट किया तो पहली तो 1982 में ये बन गई फिर गुजरात ने 1984 में इसको स्टार्ट किया था धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैला तो पहली स्टेट कौन सी बनी हमारी तमिलनाडु बन गई पहली स्टेट पहली स्टेट बन गई तमिलनाडु धीरे धीरे तो फिर नेशन वाइड फैल ही गया था नेशन वाइड फैल ही गया था फाइन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके लिए विच इज़ एयर इंडिया लॉन्गेस्ट डायरेक्ट रूट फ्लाइट सबसे लंबी डायरेक्ट रूट वाली फ्लाइट है एयर इंडिया की बताएंगे आप कौन सी है यू विल टेल मी विच इज़ द फ्लाइट एवरीबडी विल टेल मी दिस पॉइंट विच इज द फ्लाइट वेरी गुड थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट ऑयल सीट क्या मैं बता चुका हूं ना आपको येलो चलो ये बता दू अब यहां पर दैट यूज नीड टू अप्लाई अट ऑफ कॉमन सेंस यहां पे दिस इज अ गेम ऑफ कॉमन सेंस ओनली दैट इज़ व्हाट इज रिक्वायर्ड ओवर है क्लियर नाउ द मेन आइडिया इज वेरी सिंपल द मेन आइडिया इज़ वेरी वेरी सिंपल कि आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं वो आपको जानना है बिकॉज अल्टीमेटली यहां पे गेस वर्क से आपके आंसर्स बिल्कुल निकल आते हैं यू कैन सर्टनली गेट द आंसर्स फ्रॉम द गेस वर्क नो बिग डील इन दैट सो आप अगर गेस भी करते हैं यहां पे यू विल गेट द आंसर दैट इज सैन फ्रांसिस्को बेंगलुरु फ्लाइट बेंगलुरु सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट और ये सोलह हजार किलोमीटर की फ्लाइट है आप ये सोच सकते हैं दस टन फ्यूल सेव हो जाता है इस रूट से बेसिकली हम लोग देखते हैं सेवनटीन आवर नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवनटीन आवर्स की नॉन स्टॉप फ्लाइट आप सोच सकते हैं इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट सोलह हजार किलोमीटर सो इट इज नॉट अ जोक तो ये आप सोच सकते हैं कॉन्टीन्यूअसली यू हैव टू फ्लाई यू हैव टू बेसिकली कॉन्टिन्यूसली हैव टू फ्लाई सो ऑलमोस्ट सत्रह घंटे हो जाता है सो so बहुत बड़ी चीज़ है ये नेक्स्ट वन दिल रेंज दैट सेपरेट द मनीपुर फ्रॉम नागालैंड ये देखिए बताइए वॉट इज द आंसर नागालैंड मनीपुर ऐसे होता ना नागालैंड मनीपुर मिजोरम सो नागालैंड मनीपुर बताइए जरा कौन से हिल्स हैं जो इन दोनों को सेपरेट करती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है बताइए जरा एवरीवन, टेल मी द आंसर कौन बताएगा हाँ जी जोया अग्रवाल बोलते कैप्टन बिल्कुल पैसे काफी लगते हैं जी ये बताइएगा सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। मैंने यहां पे मैप में भी आपको दिखाने की कोशिश की है इट विल गिव यू बेटर आइडिया वेरी नाइस एब्सोल्युटली द आंसर इज बडेल हिल्स यहां पे क्या आएगा बड़े हिल्स इज द राइट आंसर ठीक है बिल्कुल अब यहां पे द मेन आइडिया इज आपको एक चीज देखनी है ठीक है सो हाउ एक्जैक्टली डू यू रीच टू द आंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ब्रह्मपुत्र बराक रिवर में है तो टेरेन इस तरह की है तो उसी के एक्सटेंशन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसी के एक्सटेंशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब एक चीज़ देखिएगा कारोकुरम हाईवे की हम लोग बात करते हैं फाइन चलिए गैस वर्क की जरूरत नहीं है हर जगह पे ये बताइएगा करोकोरम हाईवे कनेक्ट विथ ऑर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज कारोकोरम हाईवे ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है करा कोरम हाईवे आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन कारोकोरम हाईवे आई एम श्योर आपने सुना जरूर होगा कि किस तरह से uh, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे इंडिया की भी सिग्निफिकेंस जब हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कारोकोरम सो थिंक अबाउट इट वाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर वाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर कारोक्रम अब ना इवन इफ यू अप्लाई द कॉमन सेंस यू विल गेट टू नो दिस आंसर दैट इज गोइंग टू बी चाइना एंड पाकिस्तान आपने सी पी सी का नाम सुना है किसी ने Have you ever ऑफ सी पी अब आप कभी भी सी पी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ये देखिए क्या होता है यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना ये इस तरह से हम लोग देखते हैं लिंक हो गया है पूरा सी पी यही है बेसिकली कराक्रोम हाईवे फाइन सो डी इज द राइट आंसर एप्सल्यूटली और कराक्रोम हाईवे बेसिकली यही कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके जो रिफ्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया इसने उसको क्या किया है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है चलिए अब ये बताइएगा बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसी का क्वेश्चन है हु द फर्स्ट कॉलर हु ट्राइड टू मेजर अर्थ अर्थ को नापने की किसने कोशिश की थी सबसे पहले सबसे पहले अर्थ को नापने की किसने कोशिश की थी ये बताइएगा एवरी वन आदित्य राज आपका आंसर बिल्कुल देखा गया है बताइए सो नाउ दैट्स अ वेरी फैक्चुअल वन बताइएगा वाज ग्रीक व्हाट इज द राइट आंसर इन्होंने कोशिश की थी बिल्कुल थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट मिलइटस से थे ऐसे बोला जाता है आने बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ आज से आप मान सकते हैं 2600 साल 2500 साल पहले की बात है सो so, आज से 2500 2600 छब्बीस सौ ईयर्स अगो थेल्स ऑफ मिलाइटस थे मिलाइटस डेट दिस तो मतलब कोशिश की थी थेल्स थे मिलाइटस ग्रीक मैथमेटिशियन थे एस्ट्रॉनर थे उन्होंने ही इसकी कोशिश की सो ही सर्डली ट्राई टू डू दैट ऑफकोर्स सक्सेसफुल नहीं रहे थे बट ही सर्डली ट्राई टू डू दैट ही दैटली ट्राई टू डू दैट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ऑफ थेटस इज द राइट आंसर ऐप इन फैक्ट मैं आपको एक चीज बता देता हूं द फर्स्ट पर्सन डिटर्मिन द साइज ऑफ द अर्थ वॉज एरेथोसिंस जब हम साइज की हम बात करते हैं जो डिटरमिन किया था साइज वो ये है क्योंकि ज्योमेट्री वगैरह इनकी काफी अच्छी होती थी ज्योमेट्री वगैरह इनकी काफी अच्छी होती थी नेक्स्ट वन हु द द विनर ऑफ दादा साहब फालके अवार्ड जो कि 2019 में दिया गया मैं बार बार दो हजार उन्नीस के क्वेश्चन बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी आज इन द एग्जाम इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे बताइए मैं आपको बता दिया हूं सक्सेस मेजर वॉज एरेस्टो बिल्कुल अमिताभ बच्चन को मिला था अच्छा ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी में अमिताभ बच्चन को मिला था बिल्कुल सही बात है ट्वेंटी ट्वेंटी में पता है आपको एक दस अ पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के जो हनी जो आ, 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 कम्युनिटी है जो हनी कलेक्ट करते उसके ऊपर बनाई थी उसने मूवी क्या नाम है उनका बताइए कोई बताएगा मुझे हु इज़ दैट पर्सन केजान दी थोंदोक 2020 में एक फिल्म मेकर है केजांग डी थोंदोक उनको मिला था और उन्होंने एक बहुत बढ़िया मूवी बनाई थी जिसका नाम रखा था ची लूपो सुना है कि नहीं इसका नाम मैंने आपको एक बार बताया भी था करंट अफेयर में ची लूपो ची लूपो बहुत बढ़िया एक मूवी बनाई थी मूवी ये मूवी किस चीज़ के ऊपर है हनी कलेक्टिंग कम्युनिटी के ऊपर है चिलुपो केजांग डी थोंदोक ने एक बहुत बढ़िया मूवी बनाई चिलुपो जो हनी कलेक्टिंग कम्युनिटी पे है अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी है ये चिल फाइन तो याद रखिएगा चील के लिए इनको भी अवार्ड दिया गया तो 2020 में ये बहुत नाम सुर्खियाँ बटोरी इन्होंने खिजांगदी थोंदोक ने बहुत बढ़िया मूवी बनाई है हाँ हाँ ऑप्शन देते हुए बोलते थे मुझे पता नाम कॉम्प्लेक्स है रहने था नो दैट नाइनटीन तो पता ही अमिताभ बच्चन एंड अगेन आई वुड लाइक टू अनाउंस वन थिंग टू ऑल ऑफ यू अपने कैलेंडर में सेव करिए टमोरो एट सिक्स पी

इस मैराथन को समझने के लिए जो भी हम इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे आई होप यू आर ऑल वेरी मच एक्साइटेड फॉर इट मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो देखिए अभी तक यही है हमारे पास आप सबके लिए दैट वी हैव गॉट दिस मेगा डिस्काउंट फॉर द रिपब्लिक डे और ये जो रिपब्लिक डे की डिस्काउंट है इसके लिए द कोड इज देयर ऑन द स्क्रीन आर डे सेवेंटी टू सो यू हैव टू यूज दिस एब्सोल्युटली इट इज देयर इज इट क्लियर सो एनी डाउट टिल हेयर यू कैन सर्डली लेट मी नो यहाँ तक हमने जो भी बात की है आई होप आपको हंड्रेड परसेंट तरीके से क्लियर हो गई हो क्लियर चलो अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए है मैंने आपको बताया दादर एंड नगर वैली दमन एंड ड्यू क्या हो गई मर्ज हो गई है रिमेंबर दिस सो मैंने आपको क्या बताया छब्बीस जनवरी को हमने क्या किया इसको मर्ज होते हुए देखा ट्वेंटी ट्वेंटी को आपको बस मुझे ये बताना है दैट इसकी कैपिटल क्या है इसकी कैपिटल क्या है इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ये फाइनल क्वेश्चन है आपका इसकी कैपिटल बता दो कहाँ है कैपिटल दादर में है नगर में है हवेली में है या दमन एंड दीव में है दीव है कौन सी है बताओ दादर नगर हवेली दमन एंड दीव की कैपिटल कौन सी है इट्स अ सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू क्विकली आंसर दैट चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए कैपिटल कहाँ है इसकी कैपिटल इसकी कहां पे है वेरी गुड देखिए बिल्कुल अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा वेरी नाइस nice. सो so जब भी हम लोग हेडक्वार्टर की बात करते हैं जब भी हम लोग हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो यहां पे आता है सिलवासा फाइन जो है दैट इज द वन आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू याद रहेगा सबको बिल्कुल 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 सिलवासा देखिए पोर्टुगीज नाम रहते हैं ये बेसिकली सिलवासा बिल्कुल देखिए दियू वैसे तो है ही है दियू वैसे तो है ही है पर अगर हेडक्वाटर की हम लोग बात करते हैं दैट इज आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एप याद रहेगा तो ये यहाँ पे फोर्ट्स के लिए जाना जाता है बहुत ही सुंदर ये एरिया है पूरा का पूरा दैट इज हाउ इट इज आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो यहाँ पे यू विल ऑलवेज आंसर कैपिटल चल फाइन परफेक्ट सो एज यू ऑल नो आई एम अगेन गो नो अनाउंस दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर यू ऑल दैट वी हैव गॉट दिस सेवेंटी टू परसेंट डिस्काउंट सो वैन यू यूज दिस कोड यू गेट दैट अगर आप पहले सेवेंटी टू बच्चों में से हैं अगर आप नहीं है फोर्टी परसेंट तो सबको मिलेगा बट सेवेंटी टू परसेंट उनके लिए जो पहले सेवेंटी टू एस्परेंट्स होंगे एंड ऑफकोर्स यू कैन सी द कैलेंडर एफ कैट इज ऑन योर हैड नाउ जस्ट लेस देन वन मंथ टू गो ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रवरी सी डी एस आपको पता ही ये बहुत पास आ चुका है यू ऑल हैव टू बी ऑन यर टू ऑल द टाइम सो दिस इज एट वॉट प्राइज यूर गेटिंग द सबसेप्शन सो इवन इफ यू हैव ग्रेडअप सुपर आप अपने सबसेप्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं इस माध्यम से एंड सर्टनली इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड ऑफकोर्स ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड की सेल है बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ द ईयर है ये साल पढ़ाई के नाम ये हम लोग नारा लेकर चल रहे हैं एंड इस नंबर पे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी ग्रेडअप ग्रीन कार्ड के बारे में आप जानते ही अनलिमिटेड एक्सेस टू टू हंड्रेड प्लस मॉक्स जो कि हैं वो आपको मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स दिस कोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आर डे सेवनटी टू इज द कोड ऑलवेज रिमेंबर आर डे सेवन टू इज द कोड विच इज सर्टनली वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए क्लियर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कल छः बजे आपको सबको जुड़ना है मेरे साथ इसी चैनल पे फॉर हिस्ट्री मेगा मैराथन जो कि आपके लिए आ रही है स्पेशली सीडीएस के लिए बट डेफिनेटली जो भी जुड़ेगा उसको बहुत फ़ायदा होगा एक तरह से सारी हिस्ट्री की रिविजन हो जानी है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दूंगा ताकि सारे के सारे जो तो टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे एंड जो भी लोग देख रहे हैं मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक वो इसलिए ताकि ये वीडियो आपके लाइक बटन उसमें वीडियोस में चली जाती है एंड उसके बाद एक्सेस करना आसान रहता है रिवीजन के लिए सो वैन यू लाइक अ वीडियो रिविजन आपके आसान हो जाते बिकॉज ये लाइक वीडियो में चले जाते हैं थैंक यू सो मच फॉर एंड सपोर्ट एवरी वन बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली हो जो भी मैंने करवाए हैं और अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते थे अब आपको आ गए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए आपके एफकेट के लिए एंड बाकी सब एग्जामिनेशन के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन आई विल सी यू टमोरो एट सिक्स पी एम शॉप बी देयर ऑन द सेम चैनल हैप्पी रिपब्लिक डे कल आके मैं आपको बोलूँगा आज ऑफ़ कोर्स हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू लेकिन कल हैप्पी रिपब्लिक डे होगा ही होगा बिल्कुल जी प्रतीक्षा मैं ही लूंगा कल वाला सेशन छः बजे निश्चित रहिए थैंक यू सो मच